चार बज गए दोस्तों, सारे गेट्स खुल गए हैं यहाँ के। हम लोग अभी इसका जो गेट नंबर 1 है पाटुली फ्लोटिंग मार्केट का, हम लोग वहाँ से अंदर जाएंगे। अभी फ्लोटिंग मार्केट अ यूनिक वेंचर ऑफ KMDA पाटुली कोलकाता, ये गेट अभी खुल गया है, तो चलते हैं अंदर दोस्तों। ये देखिए, ये फ्लोटिंग मार्केट इसको क्यों बोलते हैं आपको समझ में आ ही गया होगा। ये पानी के ऊपर है और यहाँ पे जो दुकानें हैं वो सारी नाव पे हैं, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए एक दुकान है, नाव पर है, सारी दुकानें यहाँ पे नाव पर हैं। कितने बजे से खुलता है अभी ये? अभी खुल गया। 4 से कितने बजे तक? 9:30। और सुबह भी खुलता है क्या? हाँ। सुबह कितने बजे से? सुबह अपना 5:30-6 बजे। कितने बजे तक रहता है? 1 बजे तक। ये जो हाँ, एक बेल्जियम कर दिया। ये जो पानी है दादा, ये स्थिर पानी है ना? हाँ। तो ये जब खत्म हो जाता है तो कम हो जाता है? देने का सिस्टम है, इसमें पानी भर जाएगा तो बाहर निकलने का है। हाँ। और यदि कम हो जाएगा तो देने का भी। कब खुला था ये फ्लोटिंग मार्केट, कौन से साल में? ये 3 साल हो गया। 3 साल हो गया है ना, ओके। यहाँ पे तो बहुत सारे स्टॉल्स होंगे फिर ऐसे? हाँ, बहुत सारे। हाँ? देखिए बहुत सारे स्टॉल्स हैं यहाँ पे। और क्या क्या बेचते हैं दादा आप? सबसे फ्लेवर है, लस्सी है, आइसक्रीम का सारा फ्लेवर है और लस्सी बेचते हैं? लस्सी भी सारा फ्लेवर है, चॉकलेट, मैंगो, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी। ओके okay. चलिए आप लोग जब फ्लोटिंग मार्केट आएंगे तो गेट नंबर 1 से जैसे ही घुसेंगे, लेफ्ट साइड में जो फर्स्ट स्टॉल है वो दादा का है, तो आप लोग आइए आराम से। यहाँ पे आइसक्रीम के बहुत डिफरेंट फ्लेवर्स अवेलेबल हैं, लस्सी है, तो आप लोग आके एंजॉय कर सकते हैं। हम लोग ये आइसक्रीम हम लोग खा लिए हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ का भी बिक रहा है। ये देखिए पापड़ी चाट और ये सब। और आगे बढ़ते हैं, है यहाँ पे ये चीज़ कि यहाँ पे जितने भी दुकान हैं, जितने भी शॉप हैं, वो सारे जो है वो नाव पर हैं, ठीक है। तो यही कंसेप्ट है इसका, और ये फ्लोटिंग मार्केट इसके लिए ही है कि ये आप देखिए, ये पूरे पानी पे सारे नाव हैं और नाव पे ही सारे दुकान हैं। ज़्यादातर दुकान बंद हैं अभी, क्योंकि एक तो लॉकडाउन का बाज़ार है, वैसा बाज़ार भी नहीं है, और दूसरा ये है कि 4 बजे ही खुला है बस, तो अभी बस 10-15 मिनट ही हुए हैं।
हो सकता है कि बाकी जो लोग हैं उन लोग आस्ते आस्ते करके खोलेंगे दुकान अपना। देखिए मैक्सिमम खाली है, और आते आते दोस्तों ये देखिए ये एंड हो गया है। अब यहाँ तक ही है, इससे आगे जो है वो अभी डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ से अपना नाव चालू है और ये बहुत सारे दुकान हैं यहाँ पे, अभी तो बहुत सारे बंद हैं। आइसक्रीम का आपको मिल जाएगा, चाय मिल जाएगा, फिर इसके अलावा आपको अगर ये चाहिए, ये चाट और भेलपूड़ी ये सब चीज़ चाहिए वो मिल जाएगा, फिर इसके अलावा आपको अगर वो आलू चप और पकौड़ी वगैरह चाहिए वो चीज़ यहाँ पे मिल जाएगा। हाँ जी, यहाँ पे सब्जी भी मिलेगा, सब्जी भी मिलता है। सब्जी भी मिलता है यहाँ पे, दिन में आएंगे फिर मछली भी मिलता है यहाँ पे, है ना। जैसे मार्केट में जो चीज़ें मिलती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं, है ना। मोस्ट ऑफ देम, सारी बोलना सही नहीं रहेगा, मोस्ट ऑफ देम यहाँ पे मिलती हैं। और ये अट्रैक्शन का पॉइंट भी है, लोग घूमने के लिए भी आते हैं यहाँ पे। কত দাদা আলু চপ কত আলু চপ বেগুনি জানা হবে সবই 6 টাকা পাপড় হবে মুড়ি হবে মিষ্টি পুরুলি হবে ঝাল পুরুলি হবে বেগুনি আলু চপ মুড়ি পাপড় পেঁয়াজি কি খাবে সুরজিৎ বলো আলু চপ খাও বেগুনি খাও পুরুলি খাও পাপড় খাও মুড়ি খাও এটা কি আছে এটা ঝাল পুরুলি এটা মিষ্টি পুরুলি কি হয় সেটা পুরুলি মানে এটা একটা বিভিন্ন মশলা দিয়ে একটু মিষ্টি মিষ্টি টাইপের লাগবে চপ দিয়ে দিন দু জায়গা দিয়ে দিন মানে একটু কড়া করে ভাজ হ্যাঁ কড়া করে কড়া হ্যাঁ বিদেশ বিদেশ থেকে লোক এসেছে সে লম্বা লম্বা লোক এক একটা সে মাথা থেকে যাচ্ছে এরকম সে কি হাই ফাই এক একজন কিন্তু এত সুন্দর সুন্দর পরি দেখে আমরা কি করব এখন যখন খুলেছে তার আগে ধরো লকডাউনের আগে টুকটাক তাই ব্যবসা কিনে হইতো লকডাউনের পর হইতে বাজারে কোনো ব্যবসা কিনে নাই সমস্ত গেট বন্ধ ছিল আর আমরা কি করব আমরা ঘরে বসা ছিলাম এইবারে এই তোমার এই রথের সময় এই
गेट खुल जाते এই রাত আমি তো উল্টো রাতে বসে গেছি, তার আগে বন্ধ ছিল প্রায় 8-9 মাস তো আমার বন্ধ ছিল। ওই সকালবেলা গেটটা খুলতো সকালে, আর 10টার সময় আবার বন্ধ করে দিত সমস্ত ভিড়, আর তারপর দিন আবার সকালে খুলতো, বিকেল আর খুলতো। আমার কথা হচ্ছে সব সবজির দোকানটা খোলা রাখতো তোমরা সকালবেলা, কিন্তু যারা তেলে বাজার দোকান দিই, খাবারের দোকান দিই, সেই বললেন কেন আমাকে বন্ধ রাখছে? আমরা কি খাবো? তেলে বাজার দোকানগুলো তো নেতাবাজ বন্ধ রাখছে, হ্যাঁ গেট খোলে নাই। আমরা তো বাইরের দোকান দিলে আর এই বাজারে ঢুকতে দিতে পারি, ওই জন্য বাইরে আমরা দোকান দিতে পারিনি। আর এই লকডাউনের মধ্যে আমরা তো কি করছি বলার কথা নেই, এখন ঘরের টাকা দিয়ে মালা নিই, এই এই ঘরে যে কটা পয়সা আসলে হ্যাঁ ওই নৌকো শেষ করি। আর কি अब हम लोग निकलते हैं फ्लोटिंग मार्केट से। तो आज आपने देखा कलकत्ता का फ्लोटिंग मार्केट जो कि पाटुली में है वो कैसा है, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, यहाँ पे जो दुकान है जिन लोगों का, ये देखिए खिलौना का दुकान है, तो यहाँ पे जिन लोगों का दुकान है उन लोगों अभी किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। ठीक है, ऐसे देखने को तो पाटुली फ्लोटिंग मार्केट कलकत्ता का सिर्फ पहला ही फ्लोटिंग मार्केट है, बट यहाँ पे कस्टमर्स बहुत कम आते हैं, और जो यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं लोग उनकी अवस्था बहुत आज के डेट में फाइनेंशियली ख़राब है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग प्लीज़ आएँ पाटुली फ्लोटिंग मार्केट में, और यहाँ पर जो लोग भी अपना स्टॉल लगाए हुए हैं, जो दुकान लगाए हुए हैं यहाँ पर अपना, उनसे प्लीज़ आप लोग ख़रीद करें। तो अगर आप ख़रीद करेंगे तो इन लोगों का अभी बहुत अवस्था ख़राब चल रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा उन लोगों को हेल्प करेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हम ऐसे ही कलकत्ता के डिफरेंट पार्ट्स के वीडियोस लाते रहेंगे, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसे दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।